लेट है पूर्ण रूप से, एक भी रुपया नहीं बढ़ा। सरकार तो पहले भी आई, मायावती की सरकार में आंदोलन हुई तो 80 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना, उसके उसमें आंदोलन हुए तो 50 रुपये के आसपास बढ़ा। क्या योगी सरकार इतने कमजोर है, योगी जी के दोनों से कमजोर है कि 1 रुपया भी नहीं बढ़ा पाएंगे? यह हालात है। बिजली पूरे देश में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं देखनी है, डालेवाल जी पंजाब से आते हैं, यहाँ पे 175 रुपये हाउस पावर पंजाब में फ्री किसान को बिजली, हरियाणा के अंदर 35 रुपया और करीब 7-8 स्टेट में बिजली एग्रीकल्चर फ्री है। तो यहाँ पे एक किस्म से गुजरात के बाद में दूसरा पुलिस स्टेट बनने जा रहा है हमारा प्रदेश। जैसे गुजरात में है, गुजरात में वहां कोई सरकार नहीं चलाती उसको, वहां पे पुलिस चलाती है, ऐसे ही यहाँ पे पुलिस स्टेट अब इसको कहा जाए तो वो गलत नहीं। जो आपने चुनाव में भी देखा, अभी जिला पंचायत और जो प्रमुख के हुए हैं, यही हालात है। पूरा संयुक्त मोर्चे ने 8 महीने आंदोलन करने के बाद में ये निर्णय लिया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश भर में जाएंगे, किसानों से अपनी बात रखेंगे, उनके सामने मीटिंगें रखेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और सरकारों की जो पॉलिसी है वो एड क्या देती है और काम क्या करती है उसके बारे में बातचीत करेंगे, बताएंगे, ये सारी चीज हम बताएंगे। जाएंगे 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में, बड़ी पंचायत वहां पर रखी है, उस पंचायत से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। ये पूर्ण रूप से काम होगा। जिस तरह से कैमरा, कलम और किसान के ऊपर बंदूक का पहरा है, ये पहरा हटाना पड़ेगा। कोई पत्रकार बंधु अगर खबर लिख देगा किसान के पक्ष की तो उसके वहां पर छापे लगेंगे। यह हालात है देश में, मतलब पूरा देश एक तरह से कैप्चर है। ये नेता मुक्ति अभियान भी चलेगा देश में, ये जो कैप्चर्स की जो ग्रिप में है ये भी चलेगा। और जब तक भारत सरकार ये कानून वापसी नहीं लेती, जो 3 काले कानून है, ये आंदोलन हमारा वापसी नहीं होगा। और भी उसके साथ में है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, पोल्यूशन के मामले हैं, लेबर्स के मामले हैं, पिछले भी मामले हैं, इन सारे मामलों पे सरकार स्पष्टीकरण नहीं देगी। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करें, नहीं काम होगा। वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से, लखनऊ को भी दिल्ली बना जाएगा, लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे, उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ और प्रेस नोट है, उसमें सारी चीजें आपको बताइए, जो भी क्वेश्चन होगा आपको सब चीज बताएंगे। अभी हमारे पंजाब से हमारे साथी है, मध्य प्रदेश से हमारे क्रांतिकारी लोग यहाँ पे आए हैं, उनकी भी आप बात सुनो और जो भी आप क्वेश्चन करोगे उसका हम जवाब देने में सक्षम है, आपको जवाब हम देंगे। धन्यवाद। एक बात सुन लेते हैं, पंजाब से लोग आए, इनकी एक बार बात सुन लेते हैं, एक बार क्वेश्चन जो भी होगा उसका सब जवाब। देखिए, आपको मेरा ख्याल है योगेंद्र यादव जी और राकेश ठाकुर जी ने काफी बातें बता दी गई हैं। ये जो हमारा मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का रखा गया है, इसको एक तो ये बात हम पहले से क्लियर कर दें कि इस मिशन का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हम कोई राजनीति करनी चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये सरकार किस तरीके से लोग विरोधी, देश विरोधी, किसान विरोधी तरह तरह के कानून हमारे लोगों के ऊपर लगा रही है,
जैसे मजदूरों के खिलाफ बहुत सारे कानून बने हैं, किसानों के खिलाफ जब से ये बीजेपी सरकार आई है लगभग 40-42 कानून किसानों के खिलाफ बन चुके हैं, और इन्होंने यहाँ तक किया गया है कि जो किसान को जो भी सरकार बोनस देगी फसल के ऊपर उसकी किसी तरह की मदद नहीं की जाएगी, ये भी ऐसी घोषणाएं हमारे केंद्र सरकार की ओर से की गई हैं। ये सब बातें हमारे किसान भाइयों को बताना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि आंदोलन 8 महीने हो चुके हैं, सरकार के काम पे जो नहीं सरक रही तो आंदोलन को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत लग रही है। और एक बात मैं और भी कहूँगा, यहाँ के इलाके की एक बात बहुत बड़ी है, यहाँ आवारा पशुओं का मामला बहुत बड़ा उठा हुआ है, भारी संख्या में लोग एक्सीडेंटों के जरिए डेथ हो जाती हैं और कोई उनकी बात पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप सभी पत्रकार भाइयों को इस बात का पता है, देश के किसानों को आम लोगों को नहीं पता कि सरकार लोगों के ऊपर काओ सेस के नाम पर टैक्स लगाती है। जब काओ सेस के नाम पर टैक्स लग गया है, देश के एक एक आदमी ने, बच्चे ने, बूढ़े ने टैक्स पे कर दिया है, तो लोगों ने तो सरकार की बात मान ली है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन काउस को, उन गौओं को कंट्रोल में करना, उनको संभालना उनकी जिम्मेदारी बनती है। और जो आदमी, जो व्यक्ति एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है, उनकी भरपाई करना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार ने टैक्स ले लिया, आप सभी लोगों ने तो टैक्स दे दिया है। तो इस पे सरकार बिल्कुल आंखें मूंद कर बंद करके बैठी है, कोई किसी लोगों की बात पर ध्यान नहीं दे रही। और मुझे तो यहाँ पर देख ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ, आश्चर्य हुआ है कि काऊ बेचारी, जो हमारी गौ माताएं कहते हैं जिनको, वो गौशालाएं में भी मर रही है, उनकी संभाल नहीं हो रही। जब टैक्स लोगों से ले लिया, उनको वहाँ क्यों नहीं संभाला जा रहा, संभालना जिम्मेदारी बनती है। तो ये सब बातें करने के लिए हम आगे, जब हमारा मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड चलेगा, उसमें एक एक बात लोगों को बताने के लिए हम प्रयास करेंगे, सभी बातें लोगों के पास जाएं। एक बात मैं लास्ट में ये जरूर कहूँगा कि जैसे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, संयुक्त मोर्चा की ओर से समय समय पर जब कोई नई घोषणा होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें साझा बयान दिया जाता है, वो होता है हमारा संयुक्त मोर्चे का फैसला। किसी कोई आदमी का निजी विचार का कोई फैसला, कोई बात कोई बोलता है तो उसका निजी होता है, उसको संयुक्त मोर्चा का फैसला नहीं होता। इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, उसको फिर जो बहुत ज़्यादा हवा दी जाती है, फलाने ने ऐसा कह दिया, फलाने ने वैसा कह दिया, उस संयुक्त मोर्चा का फैसला इसी तरीके से ही होगा, इसी तरीके से अनाउंस होगा। धन्यवाद। भी काका जी आपके बीच में करेंगे, मध्य प्रदेश से हैं, बड़े किसान लीडर वहां से। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। देखिए 5 जून को ये ऑर्डिनेंस जब पास हुआ था तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ऑर्डिनेंस और कानून का विषय है, ये आम किसान को हम कैसे समझाएंगे। यहां से हमारी चिंता चालू हुई थी। उसके बाद आंदोलन आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद में आज की तारीख में दुनिया की सबसे ज्यादा देर तक चलने वाला शहादत, 600 किसानों की शहादत देने वाला ये पहला आंदोलन बन गया। ये 3 ऑर्डिनेंस तो काले कानून है ही, हमारी मांग तो थी C2+50 की, वो अभी साइड में रह गई। MSP के लिए हम गिड़गिड़ा रहे, MSP तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसके लिए हम बात कर रहे। इस पिछली पार्लियामेंट में 40 कानून मजदूर विरोधी, 42 कानून किसान विरोधी भी पास हुए हैं, जिसमें निर्यात है, आयात है, कपास का निर्यात है, बहुत सारी चीजें हैं। ये भी इस तमाम चीजों में, और जो दूसरा कानून है वो आम जनता के लिए है,
जिसमें जमाखोरी कालाबाजारी का प्रभाव आपको देखने मिल रहा है, वो केंद्र सरकार ने भी जांच बिठाई है कि दालें इतनी महंगी क्यों हो गई। क्योंकि जब आपके कानून नंबर 2 में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है कि कोई भी व्यापारी कितना भी माल जमा कर सकता है, कितने दिनों तक रख सकता है, किसी भाव बेच सकता है, उस जमाखोरी की वजह से दालें और तमाम चीजों के दाम बढ़े हैं। अब उस पर केंद्र सरकार जांच कर रही है कि दाल क्यों बढ़ी, तो उसके 4 साल से भुगतान लेट है, पूर्ण रूप से एक भी रुपया नहीं बढ़ा। सरकार तो पहले भी आई, मायावती की सरकार में आंदोलन हुई तो 80 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना उसके उसमें आंदोलन हुए तो 50 रुपये के आसपास बढ़ा। क्या योगी सरकार इतने कमजोर है, योगी जी के दोनों से कमजोर है कि 1 रुपया भी नहीं बढ़ा पाएंगे? यह हालात है। बिजली पूरे देश में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं देखनी है, डालेवाल जी पंजाब से आते हैं, यहाँ पे 175 रुपये हाउस पावर, पंजाब में फ्री किसान को बिजली, हरियाणा के अंदर 35 रुपया और करीब 7-8 स्टेट में बिजली एग्रीकल्चर फ्री है। तो यहाँ पे एक किस्म से गुजरात के बाद में दूसरा पुलिस स्टेट बनने जा रहा है हमारा प्रदेश। जैसे गुजरात में है, गुजरात में वहां कोई सरकार नहीं चलाती उसको, वहां पे पुलिस चलाती है, ऐसे ही यहाँ पे पुलिस स्टेट अब इसको कहा जाए तो वो गलत नहीं। जो आपने चुनाव में भी देखा, अभी जिला पंचायत और जो प्रमुख के हुए हैं, यही हालात है। पूरा संयुक्त मोर्चे ने 8 महीने आंदोलन करने के बाद में ये निर्णय लिया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश भर में जाएंगे, किसानों से अपनी बात रखेंगे, उनके सामने मीटिंगें रखेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और सरकारों की जो पॉलिसी है वो ऐड क्या देती है और काम क्या करती है उसके बारे में बातचीत करेंगे, बताएंगे, ये सारी चीज हम बताएंगे। जाएंगे 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में, बड़ी पंचायत वहां पर रखी है, उस पंचायत से इस आंदोलन की शुरुआत होगी, ये पूर्ण रूप से काम होगा। जिस तरह से कैमरा, कलम और किसान के ऊपर बंदूक का पहरा है, ये पहरा हटाना पड़ेगा। कोई पत्रकार बंधु अगर खबर लिख देगा किसान के पक्ष की तो उसके वहां पर छापे लगेंगे। यह हालात है देश में, मतलब पूरा देश एक तरह से कैप्चर है। ये नेता मुक्ति अभियान भी चलेगा देश में, ये जो कैप्चर्स की जो गिरफ्त में है ये भी चलेगा। और जब तक भारत सरकार ये कानून वापसी नहीं लेती, जो 3 काले कानून है, ये आंदोलन हमारा वापसी नहीं होगा। और भी उसके साथ में है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, पोल्यूशन के मामले हैं, लेबर्स के मामले हैं, तो जितने भी मामले हैं, इन सारे मामलों पे सरकार स्पष्टीकरण नहीं देगी। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करे, नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से, लखनऊ को भी दिल्ली बना जाएगा, लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील है ऐसे ही सील होंगे, उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे और प्रेस नोट है, उसमें सारी चीजें आपको बताइए, जो भी क्वेश्चन होगा आपको सब चीज बताएंगे। अभी हमारे पंजाब से हमारे साथी है, मध्य प्रदेश से हमारे क्रांतिकारी लोग यहाँ पे आए हैं, उनकी भी आप बात सुनो और जो भी आप क्वेश्चन करोगे उसका हम जवाब देने में सक्षम है, आपको जवाब हम देंगे। धन्यवाद। एक बात सुन लेते हैं, पंजाब से लोग आए, इनकी एक बार बात सुन लेते हैं, एक बार क्वेश्चन जो भी होगा उसका सब जवाब। देखिए, आपको मेरा ख्याल है योगेंद्र यादव जी और राकेश ठकैत जी ने काफी बातें बता दी गई हैं। ये जो हमारा
मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का रखा गया है, इसको एक तो ये बात हम पहले से क्लियर कर दें कि इस मिशन का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हम कोई राजनीति करनी चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम पूरे देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये सरकार किस तरीके से लोग विरोधी, देश विरोधी, किसान विरोधी तरह तरह के कानून हमारे लोगों के ऊपर लगा रही है। जैसे मजदूरों के खिलाफ बहुत सारे कानून बने हैं, किसानों के खिलाफ जब से ये बीजेपी सरकार आई है लगभग 40-42 कानून किसानों के खिलाफ बन चुके हैं। और इन्होंने यहाँ तक किया गया है कि जो किसान को जो भी सरकार बोनस देगी फसल के ऊपर उसकी किसी तरह की मदद नहीं की जाएगी, ये भी ऐसी घोषणाएं हमारे केंद्र सरकार की ओर से की गई हैं। ये सब बातें हमारे किसान भाइयों को बताना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि आंदोलन 8 महीने हो चुके हैं, सरकार के काम पे जो नहीं सरक रही तो आंदोलन को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत लग रही है। और एक बात मैं और भी कहूँगा, यहाँ के इलाके की एक बात बहुत बड़ी है, यहाँ आवारा पशुओं का मामला बहुत बड़ा उठा हुआ है। भारी संख्या में लोग एक्सीडेंटों के जरिए डेथ हो जाती हैं और कोई उनकी बात पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप सभी पत्रकार भाइयों को इस बात का पता है, देश के किसानों को, आम लोगों को नहीं पता कि सरकार लोगों के ऊपर काओ सेस के नाम पर टैक्स लगाती है। जब काओ सेस के नाम पर टैक्स लग गया है, देश के एक एक आदमी ने, बच्चे ने, बूढ़े ने टैक्स पे कर दिया है, तो लोगों ने तो सरकार की बात मान ली है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन काउस को, उन गौओं को कंट्रोल में करना, उनको संभालना उनकी जिम्मेदारी बनती है। और जो आदमी, जो व्यक्ति एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है उनकी भरपाई करना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार ने टैक्स ले लिया, आप सभी लोगों ने तो टैक्स दे दिया है। तो इस पे सरकार बिल्कुल आंखें मूंद कर बंद करके बैठी है, कोई किसी लोगों की बात पर ध्यान नहीं दे रही। और मुझे तो यहाँ पर देख ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ, आश्चर्य हुआ है कि काओ बेचारी जो हमारी गौ माताएं कहते हैं जिनको, वो गौशालाएं में भी मर रही है, उनकी संभाल नहीं हो रही। जब टैक्स लोगों से ले लिया उनको वहां क्यों नहीं संभाला जा रहा, संभालना जिम्मेदारी बनती है। तो ये सब बातें करने के लिए हम आगे जब हमारा मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड चलेगा उसमें एक एक बात लोगों को बताने के लिए हम प्रयास करेंगे, सभी बातें लोगों के पास जाएं। एक बात मैं लास्ट में ये जरूर कहूँगा कि जैसे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, संयुक्त मोर्चा की ओर से समय समय पर जब कोई नई घोषणा होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें साझा बयान दिया जाता है, वो होता है हमारा संयुक्त मोर्चे का फैसला। किसी कोई आदमी का निजी विचार का कोई फैसला, कोई बात कोई बोलता है तो उसका निजी होता है, उसको संयुक्त मोर्चा का फैसला नहीं होता। इस पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारी बातें हो जाती हैं उसको फिर जो बहुत ज़्यादा हवा दी जाती है, फलाने ने ऐसा कह दिया, फलाने ने वैसा कह दिया, वो संयुक्त मोर्चा का फैसला इसी तरीके से ही होगा, इसी तरीके से अनाउंस होगा। धन्यवाद। अभी काका जी आपके बीच में करेंगे, मध्य प्रदेश से हैं, बड़े किसान लीडर वहां से। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। देखिए 5 जून को ये ऑर्डिनेंस जब पास हुआ था तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ऑर्डिनेंस और कानून का विषय है कि आम किसान को हम कैसे समझाएंगे। यहां से हमारी चिंता चालू हुई थी। उसके बाद आंदोलन आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद में आज की तारीख में दुनिया की सबसे ज्यादा देर तक चलने वाला, 600 किसानों की शहादत देने वाला ये पहला आंदोलन बन गया। ये 3 ऑर्डिनेंस तो काले कानून है ही, हमारी मांग तो थी C2+50 की, वो अभी साइड में रह गई। MSP के लिए हम निगड़ा रहे,
एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। इस पिछली पार्लियामेंट में 40 कानून मजदूर विरोधी, 42 कानून किसान विरोधी भी पास हुए हैं, जिसमें निर्यात है, आयात है, कपास का निर्यात है, बहुत सारी चीजें हैं। ये भी इस तमाम चीजों में, और जो दूसरा कानून है वो आम जनता के लिए है, जिसमें जमाखोरी कालाबाजारी का प्रभाव आपको देखने मिल रहा है। वो केंद्र सरकार ने भी जांच बिठाई है कि दालें इतनी महंगी क्यों हो गई, क्योंकि जब आपके कानून नंबर 2 में आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है कि कोई भी व्यापारी कितना भी माल जमा कर सकता है, कितने दिनों तक रख सकता है, किसी भाव बेच सकता है, उस जमाखोरी की वजह से दालें और तमाम चीजों